वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आज हम जानते हैं निम्न रक्तचाप लो बीपी की समस्या होने पे किन घरेलू उपचारों से हम स्वस्थ हो सकते हैं, इस समस्या से निजात पा सकते हैं, इस रोग को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। उनमें भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने पे जो सबसे सरल और सस्ती सुलभ उपचार है वो नमक है। नमक को घोल के शरबत बना के पीना चाहिए दिन में 2-3 बार, और इसमें और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए गुड़ नींबू मिला सकते हैं। किसी भी फल मौसम में उपलब्ध किसी भी फल के रस में नमक मिला के पीने से लो बीपी की समस्या ख़त्म होती है। रात को देसी गाय के दूध में 1-2 चम्मच घी डाल के गर्म करके पीने से लो बीपी की समस्या ख़त्म होती है। मक्खन मिश्री मिला के खाने से लो बीपी की समस्या ख़त्म होती है। 15-20 तुलसी के पत्तियों का रस निकाल के उसमें शहद मिला के 1 चम्मच शहद और 1 कटोरी दही में मिला के सेवन करने से लो बीपी की समस्या ख़त्म होती है। आंवले का रस और शहद मिला के पीने से ख़त्म होता है लो बीपी की समस्या। 5-6 बादाम, गुरबंदी बादाम, 3-4 काली मिर्च, इनका पाउडर 1 चम्मच देसी गाय के घी में भून के उसमें 7-8 किशमिश या मुनक्के डाल के दूध डालकर उबाल के 5-10 मिनट उबाल के इसको खाने और दूध को पीने से सुबह शाम ये प्रयोग करने से 10-15 दिनों में ही पूरी तरह से ये समस्या नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ मट्ठा है, सुबह के समय में, दोपहर के समय में मट्ठा, ताज़ा मट्ठा, छाछ, ताज़ी छाछ में काली मिर्च और काला नमक मिला के पीने से समस्या ख़त्म हो जाती है। नींबू का रस मात्र नमक मिला के पीने से ये समस्या नष्ट होती है। अगर अपने आयुर्वेदिक औषधियों में थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए सौंफ का पाउडर, भुनी सौंफ का पाउडर, सूखे गुलाब के फूल का पाउडर, बनफसे फूल के पाउडर, किलौंजी का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, ये सब बराबर मात्रा में ले लें, और जितनी सौंफ होगी उससे दुगना या 3 गुना बादाम का पाउडर, और उसी से जैसे 5 ग्राम सौंफ है तो उससे 4 या 5 गुना मिश्री का पाउडर, इन सब को मिक्स करके रख लें, और इसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से निम्न रक्तचाप की समस्या नष्ट होती है। तो आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि आप अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को जरूर सुनें। उनके व्याख्यानों को सुनने के बाद आपको आयुर्वेद के यम नियम का सामान्य जो हम फॉलो कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं अपने जीवन में, उनका ज्ञान मिलेगा। तो भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को जरूर सुने। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।